मिल रही कि इस बार रेलवे के लिए बजट में आवंटन बढ़ सकता है और ये 3 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। साथ ही वंदे भारत और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को लेकर भी बड़े ऐलान संभव है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, क्या अंतरिम बजट में रेलवे के लिए इतने बड़े ऐलान होने की संभावनाएं हैं? देखिए, भले ही वोट ऑन अकाउंट हो, अंतरिम बजट हो, लेकिन बावजूद इसके रेलवे के लिए एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार रेलवे को टोटल एलोकेशन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगर वित्त वर्ष 2023-24 की बात की जाए तो ये टोटल एलोकेशन की जो रकम है वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन अब उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो फोकस वित्त मंत्री का रह सकता है वो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान पर रह सकता है। साथ ही साथ जो लाइंस डबलिंग का काम किया जा रहा है, और इसके अलावा वंदे भारत का सफल रोल आउट, रेलवे की तरफ से पहले से ये लक्ष्य तय किया जा चुका है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च की जाएंगी। तो इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो फोकस लिस्ट में रह सकते हैं वित्त मंत्री के। और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दें तो जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसके लिए नए रूट्स का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देखने को मिलेगा, खास तौर पर जो रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक के आसपास सोलर पैनल लगाने के प्रोजेक्ट को गति मिलती हुई इस अंतरिम बजट में दिखाई दे सकती है। और आखिर में NFR यानी कि नॉन फेयर रिवेन्यू पर भी रेलवे के लिए फोकस वित्त मंत्री का रह सकता है, क्योंकि NFR के जरिए ही जो निजी भागीदारी है, निजी निवेश है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। खास तौर पर अगर हम ऑनबोर्ड वाईफाई सर्विस की बात करें या फिर ई कैटरिंग जैसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें नॉन फेयर रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए PPP मोड को बढ़ावा मिल सकता है।